From the medicine emergency cases is about the acute pulmonary edema. तो acute pulmonary edema means that के जो lungs हैं उनमें edema हो गया, पानी इकट्ठा हो गया और acutely हुआ है, मतलब एकदम से हो गया है. तो obviously patient आपके पास किस तरह से present करेगा, with the shortness of breath, उसे सांस नहीं लिया जा रहा होगा, sudden or worsening shortness of breath. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि सांस नहीं लिया जा रहा, तो इसमें हमारे पास मोस्टली डीडीज होते हैं कि सांस नहीं लिया जा रहा, मे बी एस्थमा हो, सांस नहीं लिया जा रहा, मे बी सीओपीडी की जो है एक्यूट एक्सेसरबेशन हो, सांस नहीं लिया जा रहा, कोई कार्डियक इशू हो सकता है. ठीक है, बहुत से इसके कॉजेज़ होते हैं. तो अब कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि एक्यूट पल्मोनरी एडिमा की वजह से पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है. तो उसमें जो मेन चीज़ आती है, दैट इज़ ऑर्थोपनिया एंड पीएनडी, विच इज़ पैरोक्सिज्मल नॉक्टर्नल डिज़निया. ठीक है, ऑर्थोपनिया मींस के पेशेंट बताएगा कि जब वो सीधा लेटता है तो उसका सांस फूलता है. ठीक है, और पैरोक्सिज्मल नॉक्टर्नल डिज़निया मींस दैट के पेशेंट बताएगा कि रात को सोते हुए सांस फूलता है. सो दीज आर द की फीचर्स विच सजेस्ट दैट देयर इज़ पल्मोनरी एडिमा विच इज़ कॉजिंग दिस शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. ठीक हो क्या? इसके अलावा पेशेंट को साथ में क्या हो सकता है? पैल्पिटेशंस, वो कहेगा दिल घबरा रहा है, एजिटेशन होगी, एप्रीहेंशन होगी, और डायफ्रेसिस, स्वेटिंग हो सकती है. तो पेशेंट घबराया हुआ होता है. ठीक है, तो ये चीज़ आ जाती है. अब हम जब ऑस्कल्टेट करेंगे पेशेंट को, तो हमें उस पर फाइन क्रैप्स मिल सकते हैं ऑस्कल्टेशन पे, या रोंकाए मिल सकते हैं. ठीक हो गया, तो ये हमारी प्रेजेंटिंग कंप्लेन होती है पेशेंट की विद द एक्यूट पल्मोनरी एडिमा. अब इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, एक्यूट पल्मोनरी एडिमा क्यों हो जाता है? कि पेशेंट को पहले से हार्ट फेलियर का पेशेंट था, अब वो वर्सन हो गया. हार्ट फेलियर मतलब आप सोचो कि एक पेशेंट का लेफ़्ट हार्ट फेल हो गया है. ठीक है, लेफ़्ट हार्ट क्या करता है, लंग से जो है वो आता है ब्लड और वो पूरी बॉडी में पम्प करता है. ऑब्वियसली जब लेफ़्ट हार्ट फेल हो जाएगा, उसका जो ब्लड होगा वो आगे नहीं जाएगा, तो ऑब्वियसली वो पीछे लंग्स की तरफ जाएगा. ठीक है, सो दिस इज़ एक्चुअली कॉजिंग द पल्मोनरी एडिमा. तो हार्ट फेलियर वर्सनिंग कैन कॉज पल्मोनरी एडिमा. देन पोस्ट एमआई पेशेंट, इंटीरियर वॉल एमआई मोस्टली, उसके रिजल्ट में भी क्या होगा कि हार्ट पल्मोनरी एडिमा होगा, क्योंकि हार्ट का जो है वो एक्चुअली अटैक हुआ हुआ है ना, तो वो पल्मोनरी एडिमा कॉज करेगा. किडनी फेलियर, किडनी फेलियर, एक्यूट किडनी इंजरी मोस्टली, जब किडनी फेल हो जाएगी तो बॉडी में फ्लूइड ओवरलोड स्टेट होगी. हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी क्या होती है कि जब बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है अलॉन्ग विद एंड ऑर्गन डैमेज, तो उस केस में भी पल्मोनरी एडिमा के साथ पेशेंट आ सकता है. नेक्स्ट इज के आर्ड्स है, ठीक है, विच इज़ नॉन कार्डियोजेनिक आर्ड्स, विच इज़ एक्चुअली द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम. ओके, सो दीज आर द कंडीशंस विच आर विच कैन कॉज द पल्मोनरी एडिमा. और कोविड कॉज कर सकता है आर्ड्स, पेरिफेरल आपको जो है वो जो है ये हम आगे देखते हैं. चेस्ट एक्सरे जो होगा ना, उसको हम कैसे मैंने जो है वो देखते हैं एक्सरे को. ठीक है, तो अब पेशेंट आपके पास पल्मोनरी एडिमा का आ गया, आपने उसको उसकी जो की फीचर्स है उससे आपने उसको डायग्नोस किया, विच आई टोल्ड यू कि कौन से होते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ऑर्थोपनिया, पैरोक्सिज्मल नॉक्टर्नल डिज़निया. ठीक है, आपने उसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री ले ली पेशेंट की, जब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आया आपने थोड़ी बहुत हिस्ट्री ले ली, पास मेडिकल हिस्ट्री, इसको पहले से कोई शुगर बीपी का मसला तो नहीं है, इसको पहले दिल का मसला तो नहीं है, इसको पहले कोई जिगर का मसला तो नहीं है, इसको पहले कोई गुर्दे का मसला तो नहीं है. ठीक है, ये सारे आपने कोई हिस्ट्री उसके ले लिए. ठीक है, उसको पहले कोई हार्ट अटैक तो नहीं हुआ, ये सारा कुछ आपने पास मेडिकल हिस्ट्री में पूछा, तो आपने जो है वो पल्मोनरी एडिमा को सोचा. ठीक है, तो अब आपने ऑब्वियसली जो है द पेशेंट आया, तो आप उसकी जो है सारी इन्वेस्टिगेशन तो नहीं करने लग जाओगे. ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है, सबसे पहले जो पेशेंट की है हालत, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, उसको आपने ठीक करना. ठीक है, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को ठीक करने के लिए आपने उसको ऑक्सीजन दी. ठीक है, ऑक्सीजन इनहेलेशन दी, प्रॉप अप किया. प्रॉप अप मतलब उसको क्योंकि लेटने से सांस फूल रहा है, तो आप उसको उठा के बिठा के पीछे तकिए रख के उठा के आगे की तरफ
मतलब आगे की तरफ अपनी एंगल बना के ना तकिए के साथ उसको आप रखोगे, ठीक है, बिल्कुल सीधा नहीं लेटना पेशेंट ने। और फिर पेशेंट को अगर जो है वो पेन है उसके लिए आप ओपियॉइड्स दोगे। ड्रग ऑफ चॉइस तो मॉर्फिन होती है, लेकिन अब्यूज़ होता है इसका, इस वजह से ओपियॉइड्स देते हो, कैंस के नाम से आती है। दूसरा चीज़ क्या होती है कि आपने पेशेंट का प्रीलोड कम करना होता है, क्योंकि देखो पल्मोनरी एडीमा हुआ हुआ है, हार्ट फेल हुआ हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपने हार्ट को ब्लड कम देना है, क्योंकि वो आगे ही फेल है, उसने आगे कुछ भेज नहीं रहा, वो उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है वो भेजे बॉडी को ब्लड। तो आप उसका प्रीलोड ज़्यादा करके उसके अंदर ज़्यादा पानी भरोगे तो ब्लड भरोगे तो वो तो आगे ही फेल है, इस वजह से आप उसको कम वज़न दोगे, कम वज़न उठाने के लिए दोगे। तो प्रीलोड कम करना कितना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पेशेंट के आपने वाइटल्स लेने हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी मेडिकल इमरजेंसी में पेशेंट आता है तो आपने उसके वाइटल्स लाजमी लेने होते हैं। आपने उसके वाइटल्स ले लिए, उसमें आपने उसका बीपी चेक किया, अगर तो बीपी स्टेबल है, ठीक है, बीपी गुड है, तो आप उसको डायरेटिक्स दे दोगे, ठीक है। अगर बीपी ठीक नहीं है तो ऑब्वियसली बीपी कम है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप उसको डायरेटिक्स देना शुरू करोगे, उसका बीपी मज़ीद ड्रॉप करेगा, तो आप उसको बीपी उसका देख लो के, वाइटल्स देख लो के, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि उसके पास फ्लूइड ओवरलोड की स्टेट चल रही है, उसके लंग्स में पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो आपने उसका बीपी चेक किया, बीपी चेक किया और आपने उसका जो है वो प्री जो फ्लूइड ओवरलोड स्टेट है उसको कम करने के लिए डायरेटिक्स देने हैं, ताकि वो फ्लूइड बॉडी से बाहर निकले, ठीक है। तो उसके लिए डायरेटिक्स में आपके पास आता है फ्यूरिसमाइड। फ्यूरिसमाइड अगर आपने मेडिसिन इमरजेंसी की है तो आप लेजिक्स देते होगे, बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है, इंजेक्शन लेजिक्स। उसकी डोज़ क्या होती है, 40 mg से लेके आप 200 mg मैक्सिमम दे सकते हो, 40 mg 60 mg मोस्टली ये चल जाते हैं, ठीक है, हाईवी स्टैट। फिर साथ में क्योंकि आपने लेजिक्स उसको लगाया हुआ है, अब वो क्या करेगा, अब आपने देखना है कि जो हम फ्लूइड बाहर बॉडी से निकाल रहे हैं वो निकल भी रहा है कि नहीं, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे बॉडी से कैसे निकल रहा है, ऑब्वियसली उसका यूरिन देखेंगे, ठीक है, तो उसको कैथेटराइज करेंगे, उसका यूरिन आउटपुट देखेंगे कि क्या हम जो लेजिक्स दे रहे हैं उसका कोई फ़ायदा भी हो रहा है कि नहीं, किडनीज़ काम कर रही हैं कि नहीं, ठीक है। तो अगर पेशेंट का यूरिन आउटपुट ठीक है इसका मतलब लेजिक्स काम कर रहा है, ठीक है। साथ में आपने बीपी मॉनिटरिंग करनी होती है कि पेशेंट का बीपी तो नहीं ड्रॉप करता जा रहा साथ साथ, लेकिन आप लेजिक्स दे रहे हो, ठीक है, और पेशेंट का यूरिन आउटपुट नहीं आ रहा, नील है, तो इसका मतलब कि पेशेंट का क्या है, क्यूट किडनी इंजरी है। तो उस केस में भी पेशेंट को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास आते हैं नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स भी प्रीलोड काम करते हैं, जिस तरह से डायरेटिक्स करते हैं इसी तरह इसमें भी हैव द आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट, ठीक हो गया। इंजेक्शन आपके पास आता है आइसोकिट के नाम से, ठीक है, दिस इज़ नाइट्रेट्स आइसोकिट, आइसोकिट आर द नाइट्रेट्स, ठीक है। इसकी जो डोज होती है वो क्या होती है, 10-30 माइक्रो ड्रॉप्स पर मिनट जो है आप कंटिन्यूस इन्फ्यूजन चलाते हो, ठीक है, और 0.01 माइक्रोग्राम पर केजी का इसका जो है डोज होती है, ठीक है, 1 ampulin 100 ml नॉर्मल सेलाइन टेपर अकॉर्डिंग टू बीपी एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ सिम्टम्स, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट के पल्मोनरी एडीमा के पेशेंट को आप किस तरह से डील करते हो, ठीक है, पल्मोनरी एडीमा को आप कैसे चेक करते हो, ठीक है। चेस्ट एक्सरे, अब इन्वेस्टिगेशंस आपके पास आ जाती है कि अब आपने इन्वेस्टिगेशंस करवानी है पेशेंट की। इन्वेस्टिगेशंस तो आपकी इंपॉर्टेंट होती है कि कॉज को रूल आउट करो कि पल्मोनरी एडीमा क्यों हो, चेस्ट एक्सरे करवाओ, देखो पल्मोनरी एडीमा को, ठीक है, नज़र आ रहा है तो आप साथ में चेस्ट एक्सरे करके ही पल्मोनरी एडीमा को कन्फर्म करोगे, ठीक है। ECG आप करवाओ, ठीक है, एसोसिएटेड हार्ट की वजह से तो नहीं हुआ, क्योंकि इकोकार्डियोग्राफी करवाओ, ठीक है, पेशेंट की स्टेबलाइजेशन के बाद, ऑब्वियसली पेशेंट स्टेबल हो गया, उसकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ठीक हो गई है, फिर आप उसको ये सारी इन्वेस्टिगेशंस करवाने भेजोगे, ठीक है। ब्रेन नेटोरेटिक पेप्टाइड, एक्चुअली ये होता है कि जब भी पेशेंट का हार्ट फेल होता है, उसके हार्ट में ब्लड एक्यूमुलेट होना शुरू होता है, तो हार्ट की वॉल स्ट्रेच होती है और वो ये BNP रिलीज़ करती है, तो इसके लेवल्स को फिर हम देख के बताते हैं कि हार्ट फेलियर की वजह से पल्मोनरी एडीमा हुआ है या क्या हुआ है, ठीक हो गया। तो अगर तो ये जो है आपकी इकोकार्डियोग्राफी पे CT रेशो जो होती है वो अगर ज़्यादा होती है तो इसका मतलब कार्डिक ओरिजिन है, ठीक है, और इकोकार्डियोग्राफी पे आप क्या देखते हो, इंजेक्शन फ्रैक्शन देखते हो, ठीक है। सो ये आपके पास चेस्ट एक्सरे की पिक्चर है, मैं आपको ये दिखाती हूँ, चेस्ट एक्सरे आपके पास दिस वन, एज यू कैन सी हेयर, ठीक है,
ये आपका चेस्ट एक्सरे है। चेस्ट एक्सरे में देखें कि आपको पल्मोनरी एडीमा में क्या मिलता है। जो वैस्कुलर कंजेशन होती है, ठीक है, बैट विंग अपेरेंस होती है, विच इज़ एक्चुअली हाइलर इनफिल्ट्रेट्स जो होते हैं उनको बैट विंग अपेरेंस वो दे रहे होते हैं, ठीक है, और कर्ली बी लाइंस होती है जब आपको नज़र आ रही है साइड्स पे, ठीक है। तो ये इस तरह से एक्सरे पिक्चर हो रही होती है इसकी। तो पल्मोनरी एडीमा की समझ आई, पेशेंट आपके पास किस तरह से प्रेजेंट करेगा और आपने उसकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को किस तरह से ठीक करना है, उसको प्रॉप अप करना है, उसको ऑक्सीजन लगानी है, ठीक है, और उसके जो है प्रीलोड को कम करना है। प्रीलोड को कम करने के लिए सबसे पहले आपने उसका बीपी देखना है, बीपी कैसा है, ठीक है। अगर बीपी ठीक है आप उसके आप उसको जो है वो डायरेटिक्स नाइट्रेट्स दे सकते हो। अगर बीपी स्टेबल नहीं है तो पहले बीपी स्टेबल करो, ठीक है, नाइट्रेट्स और आपके जो है वो जिसमें आपके पास है डायरेटिक्स, डायरेटिक्स पे लेजिक्स है, ठीक है, नाइट्रेट्स में वी हैव आइसोकेट, ठीक है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में आपने यूरिन आउटपुट जो है वो कैथेटर के थ्रू देखना होता है, ठीक है, यूरिन आउटपुट देखना होता है पेशेंट की, बहुत इंपॉर्टेंट है यूरिन आउटपुट देखना, और फिर आप उस तरह से पेशेंट को डील करते हो, ठीक है। अब जी हमारे पास जो है इसके साथ एसोसिएटेड टॉपिक है, दैट इज़ हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर जो है वो दो तरह का होता है, एज यू ऑल नो दैट, कि राइट हार्ट फेलियर होता है, लेफ्ट हार्ट फेलियर होता है, ठीक है। क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी का जो ब्लड होता है वो राइट हार्ट पे जाता है, राइट हार्ट से लंग्स पे जाता है, लंग्स से लेफ्ट हार्ट पे जाता है, और लेफ्ट लंग से पूरी बॉडी पे जाता है, ठीक है। तो जब राइट हार्ट फेल होगा तो जो बॉडी का ब्लड है वो हार्ट पे आने के बजाय पीछे जमा होगा, ठीक है। तो दिस विल रिजल्ट इन रेज्ड जुगलर वेनस प्रेशर, दिस विल रिजल्ट इन हेपेटोस्पिनोमेगैली विच इज टेंडर, सॉरी हेपेटोमेगैली, टेंडर हेपेटोमेगैली एंड पीनल एडीमा, एसआईटीस, ठीक है, बॉडी में एडीमा होना शुरू हो जाएगा क्योंकि ब्लड पीछे आ रहा है। और लेफ्ट हार्ट फेलियर में क्या होगा कि लंग्स में सारा ब्लड जाएगा, दिस विल रिजल्ट इन लंग सिम्टम्स, पल्मोनरी एडीमा, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ऑर्थोपनिया, पल्मोनरी पैरोक्सिस्मल एक्सटर्नल डिस्पनिया, फाइन क्रेब्स एंड रॉक आई आपको मिलेंगे, ठीक है। तो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हार्ट फेलियर के सेम वही होते हैं जो पल्मोनरी एडीमा के होते हैं ऑलमोस्ट नॉन। इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है जो दवाइयाँ ले रहा था हार्ट फेलियर की उसको नॉन कम्प्लाइंट था, ठीक है, और उसका सॉल्ट एंड वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा था। उसको इतनी दफ़ा समझाया था कि नमकीन चीज़ें आपने नहीं खानी, फिर वो खा रहा था। कोई इन्फेक्शन हो सकता है, एरिथमियाज हो सकते हैं, कार्डियोमायोपैथीज हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, एंजाइना हो सकता है, थायरोटॉक्सिकोसिस हो सकते हैं, दीज आर द प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स विच कॉज द हार्ट फेलियर, ठीक है। इन्वेस्टिगेशंस जी वही है हमारे पास, जब भी पेशेंट आपके पास हार्ट फेलियर का आएगा तो आपने उसकी सारी बेसलाइंस करवानी होती है, ठीक है, सीबीसी, आरएफटीज, एलएफटीज, यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन, ठीक है। साथ में आपने उसका थायराइड प्रोफाइल चेक करना है क्योंकि थायरोटॉक्सिकोसिस की वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है। ईसीजी आपने करवानी है, ठीक है, न्यू एंड ओल्ड चेंजेस देखने के लिए। इकोकार्डियोग्राफी में आप जो इजेक्शन फ्रैक्शन देखोगे उसका, ठीक है, और हार्ट फेलियर में आपको कब मिलेगा, और आप उसका बीएनपी लेवल चेक करोगे, ठीक है, प्रो बीएनपी चेक करोगे, और चेस्ट एक्सरे जो होगा वो आपका इस पर देखोगे आप, ठीक है। ये सारी आपकी इन्वेस्टिगेशन है। मैनेजमेंट क्या है, पेशेंट की सॉल्ट एंड वाटर रिस्ट्रिक्शन, जब भी हार्ट फेलियर का पेशेंट है आपके पास, ठीक है, आपने उसको आइडेंटिफाई किया, ठीक है, तो आपने पेशेंट की जो है सॉल्ट एंड वाटर रिस्ट्रिक्शन करवानी है। सॉल्ट इंटेक जो होगा वो 2 ग्राम से कम होना चाहिए, वाटर इंटेक जो है वो 1.5 लीटर से कम होना चाहिए एक दिन के अंदर, ठीक है। फिर आपकी जो हार्ट फेलियर के लिए 4 चीज़ें हैं ना, वो आपने अपने फिंगर टिप्स पे याद रखनी है हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है, जिसमें आपके पास आर्म्स एसिनिबिटर्स है, ठीक है, और न्यू ड्रग्स आई हुई है हमारे पास, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर नेटुराइजिंग इनहिबिटर्स, ठीक है। तो ये वाले जो है ना आपके पास जो है ड्रग्स हैं, ठीक है। दूसरे आपके पास जो ड्रग्स होते हैं वो होते हैं बीटा ब्लॉकर्स, तीसरे आपके जो ड्रग्स होते हैं वो होते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागनिस्ट, और चौथे होते हैं SGL2 इनहिबिटर्स, ठीक है। तो जो है एस इनहिबिटर्स की बात करते हैं, एस इनहिबिटर्स जो है उस पर वी हैव इनालाप्रिल, जिसके साथ प्रिल आता है ना वो एस इनहिबिटर्स होते हैं, ठीक है। इनालाप्रिल हो गया, लेमिप्रिल हो गया, ठीक है, ये सारे इनालाप्रिल की जो आगे पर ब्रांड्स आते हैं उस पर टेबलेट जेस्ट्रिल है, ठीक है,
और टैब रेनिटेक है। इसमें से मोस्टली जो यूज़ होती है टैब जेस्ट्रिल होती है 5 to 20 mg पर ओरल ओडी, ठीक है। मतलब आप उसकी डोज जो है वो 5 mg भी रख सकते हो, 20 mg मैक्सिमम रख सकते हो, ठीक है। मिनिमम जो है वो 5 और मैक्सिमम 20, ठीक है। अब जो एज लिमिटर जो है ये कार्डिक रीमॉडलिंग करवाते हैं, फाइब्रोसिस जो है और रीमॉडलिंग और फाइब्रोसिस को कम करते हैं, ठीक है। मोर्टेलिटी कम करते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन कम करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। रेमीप्रिल का जो ब्रांड आता है दैट इज़ टैब रेमी पेस 1.25 to 10 mg पर ओरल ओडी, ठीक है। लेकिन एज लिमिटर पर आपको प्रिस्क्राइब करते रहो तो ज़्यादातर यही होती है टैब जेस्ट्रिल 5 mg, ठीक है, या 20 mg पर ओरल ओडी, ठीक है। और दूसरे जो है क्योंकि जो एज लिमिटर होते हैं ना ड्राई कफ करवाते हैं, इस वजह से आप जो है लोजार्टन या वेलसार्टन देते हो, आर्ट्स देते हो, ठीक है। तो लोजार्टन जो है आपने बहुत कॉमन नेम सुना होगा, टैब इजी डे, ठीक है, 25 to 100 mg आप देते हो पर ओरल ओडी, ठीक है। वेलसार्टन, ठीक है, टैब वेलटेक 80 to 160 mg पर ओरल ओडी, ठीक है। तीसरे जो आते हैं जो आपके पास न्यू है, दीज आर आर्नीज, ठीक है, विच आर स्क्यूबिटिल, ठीक है। इसमें आते हैं स्क्यूबिटिल एंड वेलसार्टन, ठीक है। वेलसार्टन जो है ये वही है आर्म्स से, स्क्यूबिटिल ड्रग है ये, ठीक है। इनकी कॉम्बिनेशन की ड्रग आती है टैब यूप्रियो, ठीक है। आर्म्स एंड आर्डीज की कॉम्बिनेशन ड्रग है, कॉम्बिनेशन ड्रग है यूप्रियो, जिसमें स्क्यूबिटिल और वेलसार्टन होता है, ठीक है। इनकी जो डोजेज है वो है 24/26, 49/51 या 96/63, ठीक हो गया। इसके बाद जी आपके पास आते हैं मिनरलोकॉर्टिकल रिसेप्टर एंटागनिस्ट, ठीक है, ये आपके पास आते हैं। अब जी थर्ड जो आपके पास मतलब आपने देखा है एस इनहिबिटर्स आर्ब या आर्डीज, ठीक है, इन तीनों में से आपने एक दे रहा है। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है एमआरएस, ठीक है। इसमें वी हैव द ऑप्शन स्पायरोलैक्टोन, जिसके आपके पास जो है ये भी कार्डिक रीमॉडलिंग कब करवाते हैं। इसमें वी हैव द ऑप्शन जो ब्रांड है डेट इज़ टैब एल्डाक्टोन 12.5 to 100 mg पर ओरल ओडी, ठीक है। या अगर पेशेंट को साथ में फ्लूइड ओवरलोड भी है, ठीक है, तो फिर आप स्पायरोलैक्टोन के साथ फ्यूरेसमाइड ऐड करके देते हो। उसकी जो ड्रग आती है डेट इज़ टैब स्पायरोमाइड पर ओरल ओडी या बीडी, ठीक है, 20/50 या 40/50 mg की गोली आती है, ठीक है। तो देखिए पेशेंट आपके पास आया है, उसका उसको जो है हार्ट फेलियर का पेशेंट है वो, ठीक है, उसको जो है ना आप देख रहे हो कि उसको ना बॉडी में एसाइटिस है और उसको जो है ना फीट की स्वेलिंग हुई हुई है, ठीक है, मतलब पीडली डिब्बा हुआ हुआ है। तो आप सोचोगे फ्लूइड ओवरलोड स्टेट है ऑब्वियसली, तो फिर आप उसको जो ड्रग स्टार्ट करवाओगे वो ये वाली करवा दोगे स्पायरोमाइड, ठीक है, जिसमें फ्यूरेसमाइड और स्पायरोलैक्टोन होता है। लेकिन आपने इसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो ये है कि पोटेशियम, ठीक है, हाइपरकैलेमिया करवाते हैं तो उसको ज़रा फोकस पे रखना है आपने, ठीक है। थर्ड जो आपके पास ऑप्शन है ड्रग की दैट इज़ बीटा ब्लॉकर्स, बीटा वन सेलेक्टिव या नॉन सेलेक्टिव, ठीक है। इसमें भी हैव ऑप्शन कार्बिडोलोल, मेटीप्रोलोल और बीजोप्रोलोल, ठीक है। कार्बिडोलोल जो है उसका नाम आता है टैब कार्वेडा 3.125 to 25 mg मैक्स, ठीक है, पर ओरल बीडी। या दूसरी ऑप्शन है मीटोप्रोलोल, टैब बीरोल के नाम से आती है 12.5 to 25 mg पर ओरल ओडी। और बीजोप्रोलोल जो टैब कॉनकॉर के नाम से आती है 2.5 to 10 mg पर ओरल ओडी, ठीक हो गया। चौथे जो ड्रग है डेट इज़ SGL2 इनहिबिटर्स, जिसमें जब भी पेशेंट आपके पास हार्ट फेलियर का है उसको साथ में जो है CKD का पेशेंट है, ठीक है, तो फिर आप उसको जो है ये प्रिस्क्राइब करते हो। बिकॉज SGL2 आर द ऑस्मोटिक डायरेटिक्स एंड दे आर रीनल एंड कार्डियक प्रोटेक्टिव, इस वजह से ये आप देते हो। इसमें भी हम ऑप्शन डेपाग्लिफ्लोजिन एंड एपाग्लिफ्लोजिन, डेपाग्लिफ्लोजिन की जो ब्रांड आता है डेट इज़ टैब डापा या डेपाटेट, ठीक है, पर ओरल ओडी। और एपाग्लिफ्लोजिन टैब जार्डी के नाम से आती है 10 या 25 mg पर ओरल ओडी, ठीक हो गया। तो कौन कौन सी ड्रग्स आपने देखी है हार्ट फेलियर के लिए, एस इनहिबिटर्स, आर्ब्स, ठीक है, आर्डीज, उसके मैंने आपको ब्रांड्स बता दिए, जेस्ट्रिल आपने याद रखनी है, इजी डे याद रखनी है, और आपने जो है वो स्क्यूबिटिल याद रखनी है, ठीक है, यूरिप्रो। और जो MRAs हैं उनमें आपने जो है वो याद रखना है स्पायरोलैक्टोन, ठीक है, एल्डाक्टोन के नाम से आती है, और स्पायरोमाइड, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स में आपके पास जो है
मोस्टली जो है वो कार्बेडा या पेरोल चलती है, एस जी एल टू डिबाग्लोफ्लोजिन डेपा या डेपाटेट चार्ट, ठीक हो गया। सो ये हार्ट फेलियर। अदर ऑप्शंस आपके पास आते हैं वेजोडाइलेटर्स और नाइट्रेट्स, ठीक है, ये ब्लैक पॉपुलेशन में आप यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर पेशेंट को साथ में जो है वो क्या प्रॉब्लम है कि उसको साथ में ना एफिब्रिलेशन भी है, एट्रियल फिब्रिलेशन, तो फिर आप उसको जो है डाइजॉक्सिन देते हो, ठीक है। अगर हार्ट फेलियर का पेशेंट है और वो सी के डी का पेशेंट है, फिर आप उसको क्या दोगे, एस जी एल टू इनहिबिटर्स, ठीक है। अगर हार्ट फेलियर का पेशेंट है और साथ में उसको एट्रियल फिब्रिलेशन है, फिर आप उसको क्या दोगे, डाइजॉक्सिन दोगे, ठीक है। रेट कंट्रोल होते हैं, इम्प्रूव कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, तो इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा, मोर्टैलिटी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से आप कार्डिक कंसल्टेशन से देते हो इसे, ठीक है। इसको ज़्यादातर हार्ट स्पेशलिस्ट जो होते हैं वही प्रिस्क्राइब करें तो बेहतर है, ठीक है। टैबलेनॉक्सिन 0.25 to 0.5 mg के नाम से आती है, ये इसके नाम से, ठीक है। इसके अलावा अगर पेशेंट को बीटा ब्लॉकर्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, फॉर एग्जांपल एस्थमा का पेशेंट है, तो फिर आप इवाब्रेडिड यूज़ करते हो, ठीक है। उसमें भी आप ऑप्शन टैब एवाटब 2.5 to 7.5 mg पर ओरल बीडी, ठीक है। अगर उसका इजेक्शन फ्रैक्शन 35% से कम है, साइनस रिदम विद हार्ट रेट 70 beats per minute, ठीक है, से ज़्यादा है, ये इक्वल है, बीटा ब्लॉकर्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड और एट मैक्स, तो फिर आप उसको जो है वाइब्रेटिंग देते हो, ठीक है। अगर पेशेंट को साथ में देखो हार्ट फेलियर की वजह जो थी वो मायोकार्डियल इंफार्क्शन थी या कोई भी जो है उसको इसकी भी का प्रॉब्लम रिस्क है, पास्ट हिस्ट्री है, तो फिर उसको डुअल या सिंगल एंटीप्लेटलेट्स देते हो, ठीक है, और एंटीकोगुलेंट्स देते हो। अगर पेशेंट को साथ में एट्रियल फिब्रिलेशन, वेल्वुलर डिजीज़ है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर थ्रोम्बस है, ठीक हो गया। इस तरह से आप हार्ट फेलियर को मैनेज करते हो। पेशेंट आपके पास आया, ठीक है, हार्ट फेलियर का, आपने उसकी जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ, फॉर एग्जांपल, तो आपने उसको जो है रूल आउट करना है उसका जो है हार्ट फेलियर, उसको बॉडी में एडिमा हुआ था, एसाइटिस, ठीक है, उसकी लेग्स स्वीट फीट्स वाली थी, जे वी पी रेज था, उसको साथ में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी थी, ठीक है, मतलब ये जनरलाइज हार्ट फेलियर है। तो आपने उनको रोका, एक क्रैप्ट सुन लिए, तो अब आप उसकी क्या करोगे, उसको जो है वो हार्ट फेलियर की मैनेजमेंट करोगे। अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है तो उसको पल्मोनरी एडीमा की लाइन पे जो है वो जो है आप उसको मैनेज करोगे, ठीक है। उसके बाद आप उसकी जो है वो इन्वेस्टिगेशंस करवा लोगे और उसको उसको ड्रग्स लिख दोगे। वी हैव ऑप्शंस आर्ब्स, एस इनहिबिटर्स, आरडीज, ठीक है। अगर पेशेंट को साथ में फ्लूइड ओवरलोड स्टेट है तो स्पायरोमाइड चलाओ, ठीक है। अगर पेशेंट को जो है सी के डी का पेशेंट है तो आप उसको जो है वो एस जी एल टू इनहिबिटर्स चलाओ। बीटा ब्लॉकर्स आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। अगर पेशेंट को साथ में जो है वो क्या है, पेशेंट जो है वो है आपका एट्रियल फिब्रिलेशन का, डाइजॉक्सिन दो, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, इवाब्रेडिन आपके पास चॉइस है, ठीक है। अगर पेशेंट को साथ में इस्कीमिया का इवेंट है या रिस्क है तो एंटीकोगुलेंट्स दो, ठीक है, एंटीप्लेटलेट्स डुअल या सिंगल, ठीक है। और अगर पेशेंट जो है वो वल्वर डिजीज़ का है, थ्रोम्बस का रिस्क है, ठीक है, तो फिर आप उसको जो है वो एंटीकोगुलेशन भी दो, ठीक है। फिर आप उसको क्लोज फॉलोअप पे रखो, उसको जो है उसकी इको पोलिट्रिक करो, ठीक है, उसकी इम्यूनाइजेशन करवाओ न्यूमोकोकस एच इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट, कोविड के अगेंस्ट, ठीक है। और उसकी जो है अवॉइड एग्जर्शन एंड स्ट्रेस, उसको कहो, उसकी वेट मेंटेनेंस करो, ठीक है, और उसको क्लोज फॉलोअप पे रखो। दिस इज़ हाउ यू मैनेज अ पेशेंट ऑफ पल्मोनरी एडीमा एंड द हार्ट फेलियर, ठीक है। पल्मोनरी एडीमा के लिए आपने इमरजेंसी मैनेजमेंट याद रखनी है, जिसमें प्रॉपर ऑक्सीजन याद रखनी है, बीपी चेक किया, वाइटल्स देखे, अगर तो स्टेबल है तो लेजिक्स नहीं भूलना, नाइट्रेट्स नहीं भूलना, आइजोकेट का इंजेक्शन, ठीक है, ये आपने लाजमी उसकी जो है याद रखनी है। बीपी मॉनिटरिंग करती रहे, उसका यूरिन आउटपुट देखते रहे, ठीक है। हार्ट फेलियर का पेशेंट है तो उसको डिस्चार्ज मेडिसिन आपने दी, वो हमने बार बार डिस्कस कर ली है, ठीक है। फोर पिलर्स है, एस इनहिबिटर्स, आर्ब्स, आरडीज, दूसरे आपके पास है, आपके पास है स्पायरोनोलैक्टोन, ठीक है, और तीसरे आपके पास हैं जो है, ठीक है, जिसको एमआरएस कहते हैं, तीसरे बीटा ब्लॉकर्स, चौथे आपके जो हैं वो आपके हैं
SGLT2 inhibitors ठीक है। पांचवे आपके है डिजॉक्सिन, कब आपने दे दिया, इवाबरेटिड कब दे दी है, और इसके अलावा एंटीकोगुलेंट्स एंटी प्लेटलेट्स कब दे दिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट।